पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने के लिए हमें pmonline.bihar.nic.in पर हमें आना होगा, जैसे कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो कुछ देरी के बाद हम पीएम के ऑफिशियल पोस्ट मैट्रिक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, अब देख अगला पेज खुलेगा। जैसे अगला पेज खुल चुका है, यहाँ पर एक नंबर पर ही लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ फाइनलाइज स्टूडेंट, इस पर क्लिक कर देना होगा। फिर ये इसका भी पेज खुलेगा, जैसे कि पेज खुल रहा है, कुछ देरी लगा सकता है। जैसे कि पेज खुलेगी, स्टेट पहले डालें, स्टेट डालने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मैं चूज़ करता हूँ सारण। इंस्टीट्यूट नेम आप डाल सकते हैं जो आपका है, जैसे कि मेरा जो है डाल दिया मैंने। फिर यहाँ ऑप्शन है कि आप आईडी नंबर चेक करना चाहते हैं कि मोबाइल नंबर से, तो आप यहाँ पर आईडी नंबर या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर से चेक करता हूँ, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर डाल दें, जैसे कि मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ सर्च कर दें, सर्च करने के बाद आपको यहाँ नीचे आ जाएगा, जैसे कि फाइनलाइज एक स्टूडेंट है जिसका ये हो चुका है, एक रिकॉर्ड फाउंड है, तो मतलब कि वेरीफाई हो चुका है। यदि आपका वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो आपका यहाँ पर नीचे आपका नाम नहीं आएगा, नॉट रिजल्ट फाउंड लिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाओ।